ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਹਾਨਾ ਲੂਨਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੈਜਟ ਵੈਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 스케ਜਟ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਸੋ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਹਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਹਾਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਫਰਹਾਨਾ ਜੀ ਸਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਪ کیسے ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ हमको ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਲਿਏ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਜੋ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ बिल्कुल होना चाहिए जी तो पहले तो आप थोड़ा जेब बता दो कि जो साउथ एशियन स्टूडेंट क्लब जो है ये क्या है तो क्या है ना जब मैंने मैंने कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया दो हज़ार में तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटी में लेकिन हमारे बच्चे नहीं है कॉलेज में जी। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा तो फिर मैंने सोचा नहीं ये कॉलेज जो है मैं पूरा माहौल मैं चेंज करूँगी मैं ऐसा करूंगी कि हमारे बच्चे जो आए कॉलेज में जी, उसको अपनापन महसूस हुए जी, फिर रिसर्च बताता है कि अगर बच्चे आते हैं कॉलेज में अगर उसको अपनापन महसूस होता है अगर ये लोग कंफर्टेबल फील होता है जी, तो फिर बिल्कुल ये लोग रहते हैं कॉलेज में ये लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में तो वो मेरा मकसद था तो फिर uh, 2014 में एक जसपाल सिंह का बेटा था गैरी सिंह करके मैंने गैरी से बात की मैंने बोला गैरी हमको ये क्लब शुरू करना है क्योंकि ये बहुत सारा फायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए तो गैरी ने बोला ठीक है करते हैं तो 2014 में हमने ये क्लब शुरू किया जी तो uh, इस क्लब में जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं वही हैं जो स्टडी करके बाहर जाते हैं वो भी इसके मेंबर रहते हैं बिल्कुल मेंबर रहते हैं तो हर साल दो तीन बच्चे आते हैं तो वो क्लब का प्रेसिडेंट बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ट्रेजरर बनते हैं सेक्रेटरी जो भी बनना है बनते हैं लेकिन जो ग्रेजुएशन करके गए हैं वो भी हमारा साथ नहीं छोड़ते तो ए, शान शान कुमार जो है अभी भी क्लब में शामिल है बहुत का सारा काम करते हैं और पूरा जो एक्सपीरियंस इंडिया का जो पूरा काम है ना ज़्यादातर मेरे ख़्याल से नाइन्टी परसेंट लगभग प्रिया कुमार वो भी अलमना है कॉलेज की वो पूरा काम उठा लेती है हरकरण सिंह हरकरण साधु मनप्रीत बहुत सारे बच्चे फिर भी अभी भी हमारा साथ देते हैं तो इसमें कितना जो नजदीक आपके जो शहर के नजदीक कॉलेज के रहते हैं वो जहाँ जैसे हम बोलते हैं कि साउथ एशियन स्टूडेंट क्लब तो इसमें कौन कौन सी कंट्री से जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं वो वो है इसमें हाँ तो देखो मैं एक्चुअली मेरी पैदाइश साउथ अफ्रीका की है और मैं एडवाइजर हूँ फिर प्रिया ये यहाँ यूएस की बॉर्न है जी। आ, कुछ कुछ बच्चे इंडिया के बॉर्न है एक था मलेशिया का बॉर्न तो जो देसी तो पूरे दुनिया में फैल चुके हैं आप जानते हो तो सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स साउथ एशियन लेकिन साउथ एशियन उसकी जो पहचान है वो सब आते हैं क्लब में ठीक है तो दूसरा मेरा एक सवाल है जो ये इवेंट हो रहा है कि कब हो रहा है तो ये इस जुम्मे की शाम को पाँच बजे शुरू होगा और फर्न डेल इवेंट सेंटर में होगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है उसमें तो हम सेफ्रॉन ग्रिल से हम खाना मंगवाते हैं कनाडा से मंगवाते हैं मिठाई आएगी कनाडा से पकौड़े समोसे कनाडा से, से आएंगे यहाँ से दाल मखनी क्या क्या आएगा तो लेकिन फ्राइडे जो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबको टिकट फ्री में है टिकट लेकिन टिकट मस्ट 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 उसको रिजर्व करना है अगर कोई भी आना चाहते हैं तो रिजर्व करना बहुत जरूरी है तो पर जी एक जैसे हमको इसका हमने जब स्टडी किया तो इस प्रोग्राम का नाम पहले भंगड़ा हुआ करता था जी तो भंगड़ा से नाम चेंज करके आप एक्सपीरियंस इंडिया में आए उसके पीछे क्या रीजन है क्या था ना कि जब मैंने शुरू किया था ये फंक्शन तो मैंने ज्यादातर मैंने हमारा पंजाबी लोग देखे तो मैंने सोचा ये पंजाबी के लिए ये होना चाहिए अलग सा एक इवेंट फिर हमारे पंजाबी लोग बच्चे भी बोलते हैं अभी बच्चों ने बोला कि नहीं पंजाबी भी है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गुजराती है मराठी है क्या क्या है इंडिया बहुत लाइक बड़ा मुल्क है बड़ा, कितना सारा ज़्यादा कल्चर्स है तो उन्होंने बोला कि नहीं हमको उसको ऐसा करना है कि सबको अपनापन फील हो हम पंजाबी तो फील हो रहे हैं लेकिन सबको इंक्लूड करना है सबका साथ देना चाहिए ऐसा सोच के तो ये प्रोग्राम हम के, के पूरे दर्शक देख रहे हैं और ये हमारा वाशिंगटन का फर्स्ट टीवी है, तो, पूरा इसको तो, तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है फर्न डेल इवेंट सेंटर तो फर्न डेल कहाँ पे है बेलिंगम के बहुत नजदीक और कनाडा के बॉर्डर के बहुत करीब जी फंडेल इवेंट सेंटर में तो इस प्रोग्राम में हम क्या-क्या एक्सपेक्ट क्या, कर सकते हैं कि क्या-क्या होगा ओह माय गुडनेस मैं बता मैं बयान नहीं कर सकती ऐसा फंक्शन पूरा वाशिंगटन में नहीं होता जी इवन जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में कुछ होता है ना उसका क्लब में जी। तो मुझे बताया गया कि सिर्फ वहाँ पे शराब मिलता है कुछ डांस करते हैं हिंदी म्यूजिक बस खत्म बात लेकिन ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन हम ऐसा करते हैं कि पूरी फैमिली आ सकती है उसमें शराब ये सारी चीज़ें नहीं इंडियन डांसर्स होंगे फोक डांस लेकिन बहुत डिसेंट डिसेंट डांसर्स जी। आ, हमारे जो कल्चरल डांसर्स है वो होंगे फिर आ, बहुत सारे बिजनेस आते हैं एक्चुअली मुख्यमंत्री स्टेट का मुख्यमंत्री वो आएगा जी। उसका पूरा टीम आएगा मुख्यमंत्री का टीम आएगा फिर आ, वाशिंगटन uh, स्टेट में कॉलेजेस जो है उसके प्रेजिडेंट्स वाइस प्रेजिडेंट्स ये भी मौजूद होंगे फिर uh, खाना तो बहुत बहुत बढ़िया खाना रहेगा समोसे पकौड़े मिठाई दाल मखनी बटर चिकन बहुत सारी चीजें हम हम ऑर्डर करते हैं केटरिंग करते हैं सेफ्रॉन ग्रिल से ठीक है और कनाडा से भी आएगा तो इस प्रोग्राम में आने के लिए आप जो हमारे इधर का ऑडियंस है इधर का फैमिलीज रहता है वाशिंगटन में जो नजदीक आ सकते हैं चल के बिल्कुल तो उनको आप इन्वाइट करो और जरूर बताओ आप कैमरे में जी बिल्कुल हा? सो जी, जिसको आना है सब सबका स्वागत है आप आ सकते हो लेकिन आपको बताना है कि आप आज आ रहे हो तो इसका टिकट रह, रहते हैं और सदा टीवी पे ये जो एडवर्ट चलता है उसमें हमारा क्यू आर कोड है क्यू आर कोड स्कैन करके अगर आप कैमरा लेकर आप उसको स्कैन करेंगे तो वो आपको वेबसाइट पे ले, ले जाएगा वेबसाइट पे आप पूरा अपना नाम जो भी जितने भी टिकट्स चाहिए वहाँ पे आप उसको रिज़र्व कर सकते हैं फ्री में है टिकट लेकिन फिर भी रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है तो अगर आप आना चाहते हो तो हम बहुत खुश हैं आपको आपका स्वागत है लेकिन प्लीज़ आप करके रिजर्व करना टिकट फ्री में है लेकिन प्लीज़ रिज़र्व कर देना तो, ये बहुत ज़रूरी है तो डॉक्टर फरहाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और इस इवेंट की जो हमने आपने वो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ और जन है जो उनके साथ शेयर किया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि जो आप इस स्टूडेंट क्लब में जो और भी अच्छा कोई स्टूडेंट बोलता है टीवी में वो भी आए और उसको भी हम प्रमोट करेंगे बिल्कुल और उम्मीद करते, जी, जी, तो करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा और हम थैंक यू, आ, आपके साथ है डॉक्टर फरहाना जी सन ਜਿਹੜੇ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲੇਅਰ ਆ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ よし <music>